दोस्तों, क्या आपको पता है कि तितलियां अपने अंडे सिर्फ पत्तों पर ही क्यों देती हैं? सड़क पर बने माइलस्टोन के अलग अलग कलर क्यों होते हैं? क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों के पास 5 आँखें क्यों होती है? क्या आपको ये पता है कि अगर आप गलती से भी पोलर बियर के लीवर खा लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? अगर आप भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो बिलबोर्ड दिख रही है वो असल में बीबीसी का ड्रैकुला का बिलबोर्ड है। दोस्तों, अगर हम इस बिलबोर्ड को दिन के वक्त देखते हैं तो हमें ये खास नहीं लगता, लेकिन जब हम इसको रात के वक्त देखेंगे तो इस बिलबोर्ड में लाइट ऐसे गिरती है कि यहाँ एक नॉर्मल से बिलबोर्ड में एक ड्रैकुला की परछाई बन जाती है। और ये एक ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में बीबीसी ही पहली बार इस तरीके का बिलबोर्ड लेकर आई। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों के पास 5 आँखें क्यों होती है? असल में मधुमक्खियों के 2 आँखें नॉर्मल दिखने में मदद करती हैं, लेकिन जब मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तब बाकी की 3 आँखें उड़ते वक्त बॉडी का बैलेंस ठीक है कि नहीं ये दिखने में मदद करती हैं। तो है ना ये मजेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब भी हम किसी रोड से जाते हैं तब हमें पीली, हरी, नीली या फिर काले रंग के माइलस्टोन दिखती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये माइलस्टोन अलग अलग कलर के क्यों होते हैं? पहले बात करते हैं पीले रंग की। दोस्तों, पीला रंग ये दर्शाता है कि आप किसी नेशनल हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आपको उस माइलस्टोन के ऊपर हरा रंग दिखे तो इसका मतलब आप किसी स्टेट हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो, और अगर आपको ब्लू या ब्लैक कलर के ऊपर लिखा हुआ माइलस्टोन दिखा तो इसका मतलब आप किसी बड़े शहर के आसपास वाले रोड में हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। आज के दिनों में सोनी कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े क्या कुछ नहीं बनाती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर कैमरा। लेकिन क्या आपको पता है कि सोनी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया पहला प्रोडक्ट क्या था? दोस्तों, सोनी कंपनी ने 1940 के आसपास अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था और वो था एक राइस कुकर। क्यों, चौंक गए ना? चलिए अगले फैक्ट को देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी पोलर बियर की लीवर यानी यकृत खा ले तो क्या होगा? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है वो मर जाएगा, क्योंकि ठंड में रहने के लिए पोलर बियर के लीवर में इतनी ज्यादा विटामिन रहती है कि अगर कोई गलती से भी उस लीवर को खा ले तो उसके शरीर के अंदर तहलका मच जाएगा और वो इंसान धीरे धीरे मर जाएगा। क्यों, है ना ये अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जितने भी टाइगर देखे हैं वो या तो रेड कलर के होते हैं या फिर सफेद कलर के, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी इस दुनिया में एक और कलर के टाइगर पाए जाते हैं और वो है गोल्डन कलर के। लेकिन ये बहुत ही रेयर स्पीसीज के टाइगर होते हैं और ये टाइगर इतने रेयर है कि पूरे विश्व में इसके कुल आबादी 30 से भी कम है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सब ने अपने फैमिली मेंबर से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जब भी आपको टूटे हुए तारे दिखे तो आपको एक विश जरूर मांग लेनी चाहिए, क्योंकि टूटे हुए तारे हमेशा ही आपके विश पूरे कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको जिस वक्त वो टूटे हुए तारे आसमान में दिखे, असल में वो तारे उस वक्त टूटे ही नहीं है, और हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले ही वो तारे टूट चुके हैं, लेकिन उस टूटे हुए तारों से निकली रोशनी पृथ्वी तक पहुँचने में इतना टाइम लग गया हो, क्योंकि वो तारे भी पृथ्वी से कई करोड़ों किलोमीटर दूर बसे हैं, जिससे कि उसका लाइट पहुँचने में इतना टाइम लगता है। तो है ना ये कमाल का फैक्ट। चलिए हमारे अगले फैक्ट को देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इंडिया में शादी को एक पवित्र चीज माना जाता है और पूरे विश्व में भी शादी को एक पवित्र चीज ही माना जाता है, जहाँ पर दो इंसान अपनी मर्जी से पूरे जीवन के लिए साथ निभाने का वादा करते हैं। लेकिन कुछ देशों में शादी के कुछ अजीब से लॉ भी होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ्रांस के ऐसे ही एक अजीबोगरीब लॉ के बारे में, जहाँ पर एक जिंदा इंसान दूसरे मरे हुए इंसान से भी शादी कर सकता है। आपको शायद ये सुनकर छूट लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन रखी है, जहाँ पर उस जिंदा इंसान को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वो दोनों शादी भी करने वाले थे। बस ये रिक्वायरमेंट पूरे होते ही गवर्नमेंट उन दोनों को शादी करने की परमिशन दे देते हैं। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट। इसी बात पे एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर इस पूरी धरती पे राज करता था, लेकिन आज के दिनों में वो विशाल जानवर एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गया है और इनके फॉसिल्स और उनके फुटप्रिंट्स पूरे विश्व में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डायनासोर के फॉसिल्स और फुटप्रिंट्स इस धरती में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं लिसोथो में, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। क्यों, चौंक गए ना? चलिए आखिरी फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये था हमारा पहला सवाल कि तितलियां सिर्फ पत्तों पर ही अंडे क्यों देती हैं। दोस्तों, वैसे तो कई लोगों का मानना है कि दूसरे जानवर और खतरनाक यूवी रे से बचने के लिए पत्तों के नीचे साइड पर वो अंडे देते हैं। वैसे ये कई हद तक सच है, लेकिन पूरी तरह से इसको सच माना नहीं जा सकता। तो फिर सच क्या है, आइए जान लेते हैं। असल में बटरफ्लाई के अंडे ट्रांसफॉर्म होने के बाद कैटरपिलर बन जाते हैं और कैटरपिलर को खाने के लिए हरे पत्ते चाहिए होते हैं, जो कि बटरफ्लाई प्रोवाइड नहीं करती। तो इसके लिए उसे नेचुरल सोर्स ऑफ फूड चाहिए, जो होती है हरी पत्ती, और एक्सपर्ट के मुताबिक यही वो कारण है जिसके लिए बटरफ्लाई अपने अंडे हरे पत्ते के नीचे की ओर देती है। सो गाइज, आपको इन 10 अमेजिंग फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे और फैक्ट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।